मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम लास्ट टाइम पे जो प्रैक्टिकल हमने छोड़ा था, मतलब बैकअप डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट वाला, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। देखिए, लास्ट टाइम आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, हमने एक मशीन ज्वाइन की थी हमारे डोमेन के अंदर, जिसका नाम हमने रखा था MUM SRV02 BDC, जिसका IP था 192.169.1.102। ये मेरा बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनने वाला था, लेकिन हमने सिर्फ उसे ज्वाइन करा। अब बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए उसे प्रॉपरली डिप्लॉय करना ज़रूरी है। तो चलो हम आज इसी को ही डिप्लॉय करेंगे। अब डिप्लॉय करने से पहले मैं आपको कुछ दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। नंबर 1, ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, जिसका नाम है MUM SRV01। अगर आप यहाँ पे इसके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर टूल पे जाओ, जिसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर कर का कंटेनर नजर आ रहा है। अब ध्यान में रखिए, जब कभी भी आप इस तरह के सिंगल फोल्डर को देखोगे, इसे कहा जाएगा कंटेनर। और जब कभी भी आप इस तरह के, मतलब फोल्डर के अंदर स्मॉल आइकॉन नजर आ रहा है, इस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को देखो, समझ जाना वो कहेगा आपका OU। तो ये है आपका कंटेनर और ये है आपका OU। अब कंटेनर OU के बीच में डिफरेंस ये है, कंटेनर के ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी नहीं लगा सकते, जबकि OU के ऊपर आप ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हो। अब ये ग्रुप पॉलिसी होती क्या है, इसे किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, वो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक क्या है कि भाई, हमने जो मशीन डिप्लॉय की थी, जिसका नाम था MUM SRV02 BDC, उसे हमें बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस मशीन को एज एन डोमेन कंट्रोलर बनाऊँ, तो इसका ऑब्जेक्ट एंट्री कंप्यूटर कंटेनर से हटके डोमेन कंट्रोलर के अंदर आनी चाहिए, जिसका टाइप रहेगा DC। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम पे ये MUM SRV02 मशीन बनाई थी, उससे मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। नाउ टू कंफर्म, हम उसके सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, ये उसका नाम, ये फिलहाल डोमेन ज्वाइन है। और यहाँ पे टूल्स पे अगर आप देखोगे ना, किसी भी तरह की एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड एंट्री नज़र नहीं आ रही है। क्लियर, इसे हमने IP भी दे दिया है और सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। अब क्विकली हम मैनेज में जाएंगे, एड रोल्स एंड फीचर पे क्लिक करना है, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। ये बेसिकली वही सेटिंग पूछेगा जो आपको फर्स्ट टाइम डिप्लाई करते हुए पूछी थी। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है कि आप कौन से मशीन के ऊपर ये सेटिंग्स कर रहे हो। फिलहाल पूल के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही मशीन है, देन क्लिक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, और ये एडिशनल टूल्स मुझे पूछ जा रहे हैं, सो क्लिक टू द ऐड। ठीक है, अब तक हमने कुछ नया नहीं किया है। ओके, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड, क्लिक यस एंड इंस्टॉल। अब थोड़ी देर में मेरे पास ये एक्टिव डायरेक्टरी के टूल्स आ जाएंगे और मुझे कहा जाएगा कि प्लीज डिप्लॉय योर मशीन एज एन डोमेन कंट्रोलर। ओके, अब इस बीच में हम डिस्कस करेंगे कि हमें बैकअप डोमेन कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है क्या। देखिए, मैंने लास्ट टाइम पे आपको कहा था कि अगर आपका मेन डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाए, तो आपका एंटायर डोमेन इन्वायरमेंट इफेक्टेड हो जाता है, मतलब कोई भी कंप्यूटर लॉग इन नहीं हो पाएगा, कोई यूज़र अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा डोमेन्स कंट्रोलर बनाती है, लेकिन उसमें से कोई तो एक प्राइमरी रहेगा और बाकी सब उसे बैकअप में काम करेंगे। ओके, प्राइमरी हमारे केस में है MUM SRV01, जबकि 02 और माँ मे बी 03 04 ये हमारे बैकअप की तरह काम करने वाले हैं, ताकि एक फेल हो जाए तो उसे बाकी को सपोर्ट किया जाए। क्लियर, अब प्राइमरी और बैकअप के बीच में देखा जाए तो काम तो एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रोल्स रहते हैं जिससे हम ऑपरेशन मास्टर रोल्स कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के पास ही रहते हैं। अब वो ऑपरेशन मास्टर रोल्स क्या है, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करवाना है, कौन से रोल का क्या यूज है, ये हम तब पढ़ेंगे जब अपने थियोरेटिकल पोर्शन पे हम जाएंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में डिप्लॉयमेंट है सिर्फ और सिर्फ BDC का, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। ओके, देखिए, अब तक ये हमारी 63% हो चुका है, सो वी हैव टू वेट।
तो मुझे पूछा रहा है प्रोमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से क्लिक नहीं किया तो ऊपर की तरफ आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे भी जाके क्लिक कर सकते हो और आप अपने मशीन को प्रमोट कर सकते हो एज अ डोमेन कंट्रोलर। ओके नाउ जिस टूल्स की मैं बात कर रहा था, देखो टूल्स पे आने के बाद मुझे यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड काफ़ी सारे कंपोनेंट या टूल्स आ चुके हैं, जिसमें से फिलहाल हमारे लिए इंटरेस्ट है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। लेकिन ये तब तक फुल्ली फंक्शनली काम नहीं करेगा जब तक हम इसे प्रमोट ना कर दें। ओके तो चलो क्विकली हम इसे प्रमोट कर देंगे, प्रमोट टू अ डोमेन कंट्रोलर। अब मेरे सामने ये पैनल आ चुका है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज विजार्ड, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। अब लास्ट टाइम पे हमने जब हमारा न्यू डोमेन कंट्रोलर बनाया था, मतलब प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था, तब हमने यहाँ पे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक किया। अब मुझे क्लिक करना है ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू न एग्जिस्टिंग डोमेन, और हमारे डोमेन का नाम क्या है, क्रिप्टन डॉट लोकल। अगर मान लो आपको अगर चाइल्ड क्रिएट करना रहा या फिर एक नया ट्री क्रिएट करना रहा, दोनों ही केस में आप इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करोगे। ओके एड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन अ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब इससे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल हम आगे देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन अ एग्जिस्टिंग डोमेन पे ऐड करेंगे। नीचे की तरफ आपको ये क्रेडेंशियल्स नजर आ रहे, MUM SRV 0 to BDC, ये लोकल क्रेडेंशियल से, मतलब ये जो मशीन मैंने बनाई थी उस वक्त मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन की थी, तो ये उसका क्रेडेंशियल यहाँ पे दिखा जा रहा है। जबकि अगर मुझे इसे प्रमोट करना है तो मुझे डोमेन क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक करूँगा। मेरे डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर नेम था वो था एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट क्रिप्टन डॉट लोकल, और हमारा पासवर्ड जो भी होगा आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाना होगा, देन क्लिक टू द ओके। अब जैसे मेरा क्रेडेंशियल चेंज हो गया मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ऊपर की तरफ आपको ये प्रोग्रेस बार नजर आएगा। हालांकि मुझे इसे फुल एंड फंक्शनल रीड राइट कॉपी वाला बैकअप बनाना है, इसलिए ये जो डोमेन डीएनएस सर्वर और ये ग्लोबल कैटलॉग में ऐसे ही रखने वाला हूँ। ओके इसके साथ मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, क्लियर। और अगर आपको इसको सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली बनाना है, मतलब सिर्फ वो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रीड करे, उसके अंदर किसी तरह के एडिशन ना हो, तब उसे ROADC की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हो। हालांकि ROADC का भी प्रैक्टिकल हमें आगे देखना है, फिलहाल के लिए ये दोनों ही ऑप्शन आपने एज इट इज रखने हैं। ये डिफॉल्ट साइट नेम, अगर आपने स्पेसिफिक साइट बना के रखी होगी जैसे कि मुंबई नासिक थाना, तो आप साइट नेम से भी उसे स्पेसिफाई करा सकते हो। हमारे केस में किसी भी तरह का साइट नेम हमने असाइन नहीं किया है, मतलब ये डिफॉल्ट पे अभी है। यहाँ पे आपको डिजास्टर पासवर्ड देना है, मतलब मान लो अगर आपके इस मशीन को कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसे ऑफलाइन लॉगिन कर सको, तो उसके लिए आपका जो पासवर्ड होगा आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर लिया है, आपके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और ये पासवर्ड अलग अलग होने चाहिए। ओके क्लिक टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे अगेन डीएनएस डेलीगेशन पूछा रहा है, हालांकि ये मेरा खुद डीएनएस बनने वाला है, सो इस ऑप्शन को मैं इग्नोर करूंगा। सेम इसी तरह का एरर मुझे प्राइमरी के टाइम पे भी आया था। अब एडिशनल ऑप्शन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह से रिप्लीकेट करवानी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप अपने सीरियस डोमेन कंट्रोलर से रिप्लीकेट करा सकते हो, जैसे कि मान लो, चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल गूगल का जो डोमेन कंट्रोलर है, मेन डोमेन कंट्रोलर, वो UK में सिचुएटेड है और इंडिया में दिल्ली की तरफ उनका एक सब डोमेन कंट्रोलर है। ओके जो इंडिया के डोमेन को हैंडल करता है, लेकिन आगे चल के उन्होंने मुंबई या फिर पूना साइट पे अपना एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या गूगल का एक सब डोमेन कंट्रोलर इंप्लीमेंट किया, तो अब ज़रूरी क्या होगा कि गूगल का जो डेटाबेस है वो उसके ऊपर आ जाए, किसके ऊपर, हमारे नए डोमेन कंट्रोल के ऊपर। तो एक तो आप क्या करोगे, इंटरनेट के थ्रू से रिप्लिकेट कराओगे, तो उस वक्त आपको ये ऑप्शन चूज करना है। एनी डोमेन में, मतलब नियरेस्ट डोमेन जो होगा उसकी लिस्ट दिखाई जाएगी, ओके, या फिर वो अपने आप में चूज करेगा। हमारे केस में सिर्फ एक ही बंदा है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आप क्लिक करके उसे रिप्लिकेट करा दो। अब सेकंड ऑप्शन, मान लो आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर है, कम है,
और आपका डेटा काफ़ी लंबा है, बड़ा है, तो ऐसे वक्त पे आप क्या करोगे, अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जो भी आपका डेटाबेस होगा उससे आप डीवीडी में कॉपी करोगे, कुरियर से उसे अपने न्यूज साइट पे लेके आओगे, और यहाँ पे डीवीडी रोम में आपको वो मीडिया डालना है, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया करना है, देन जो भी आपके डीवीडी का पाथ होगा वो पाथ यहाँ पे असाइन कर दीजिए और आपका डेटाबेस आपके उस सर्वर पे आ जाएगा। इन शॉर्ट किसी भी और मेथड का यूज करो, इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका डेटाबेस रिप्लिकेट होना चाहिए। तो हमारे केस में हम करेंगे नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर जो कि हमारा MUM SRV 01 DC, क्लिक टू द नेक्स्ट। अब ये बाय डिफॉल्ट वही NTDS.DIT सिसवॉल, ये आपका डेटाबेस रहता है, ये NTDS की फाइल्स और सिसवॉल के अंदर आपकी ग्रुप पॉलिसीज स्टोर रहती है, क्लिक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पूछी जा रही है, मैं अगर व्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो ये है मेरी कमांड लेट्स जिसके ऊपर मैं पावर शेल के थ्रू भी इससे एज एन बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है तो इसे मैं सेव करूँगा अपने डेस्कटॉप पे, सेव एज, और इसका नाम देना है मुझे BDC.txt, दैट्स इट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट चेक किया जाएगा कि भाई आपकी ये मशीन डोमेन कंट्रोलर बनने के लिए कैपेबल है या नहीं। मेरा इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ ग्रीन चेक बॉक्स, बाकी जितने भी ऑप्शंस या जितने भी मुझे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएंगे उससे मैं इग्नोर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो और आपके लिए भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपके पास किसी तरह का क्रिप्टो एल्गोरिथम नहीं है जो आपको NT4 को सपोर्ट करे, सेकंड यहाँ आपको अपडेट पूछा जा रहा है, DNS की क्यूरी मतलब DNS डेलीगेशन पूछा जा रहा है, हमने पहले कहा कि DNS और ये अपडेट हमें फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट देखो, ऑल प्री रिक्विजिट चेक आर पास, ऊपर की तरफ ये ग्रीन चेक बॉक्स आ चुका है, नाउ दिस मशीन कैन बी प्रमोटेड एज अ डोमेन कंट्रोलर, इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे, और एज यू नो इस बीच में मशीन रिबूट होने वाली है। ओके, तो जब तक ये अपना काम करती है तब तक हम इस वीडियो को पॉज करके रखेंगे। तो ये मशीन हमारी अब आ चुकी है, इसे हम क्विकली अल कंट्रोल डेल सेंड की कर देंगे। अब हमें देखना है कि ये मशीन प्रॉपरली डोमेन कंट्रोलर बनी है या नहीं। ओके, इसके लिए देखो बाय डिफॉल्ट ये क्रिप्टन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स लॉगिन है, अगर आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लेना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट बैकवर्ड स्लैश। ओके, लेकिन अगर आप किसी मशीन को एज एन डोमेन कंट्रोलर की तरह प्रमोट करते हो तो वहाँ पे लोकल लॉगिन बाय डिफॉल्ट बैंड रहती है, मतलब आप लोकल अकाउंट से उस मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डोमेन अकाउंट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर की तरह ट्रीट कर रहा है। हाँ, हालांकि अगर आपने कोई क्लाइंट मशीन डोमेन में ज्वाइन की है जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर है या चाहे क्लाइंट है, उस पर आप लोकल अकाउंट लॉगिन ले सकते हो डॉट बैकवर्ड स्लैश यूज करके। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इफ योर सर्वर इज बिकम अ डोमेन कंट्रोलर तो आपको डोमेन कंट्रोलर के क्रेडेंशियल्स ही चाहिए, किसी और को वो लॉगिन करने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस एज एन डोमेन कंट्रोलर किसी यूजर को वहां पे एक्सेस करने की परमिशन ना दे। मतलब यहाँ पे हर चीज़ को हैंडल करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए डोमेन कंट्रोलर क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करता है। बहरहाल हमारे केस में ये क्रिप्टन बैकवर्ड स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, उसके मैं क्रेडेंशियल्स दूंगा जो कि मेरा प्राइमरी या मेन डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है मेरे पूरे डोमेन या कहे यू कहे पूरे फॉरेस्ट का। जब तक ये मशीन प्रॉपरली सेट हो रही है तब तक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्या किया था, मेरा जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था मतलब MUM SRV 01, ओके, उसके ऊपर मैंने टूल्स के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर नाम का टूल ओपन किया जो कि नीचे की तरफ अभी भी ओपन है, और मैंने कहा था कंप्यूटर्स की तरफ आपको PC1, PC2 और SRV 02 नज़र आ रहा है। अब मेरा SRV 02 एज अ डोमेन कंट्रोलर प्रमोट हो चुका है। अगर मैं इस जगह पर रिफ्रेश करूं तो देखिए MUM SRV 02 की एंट्री कहाँ पे गई, वो एंट्री आपको नजर आएगी डोमेन कंट्रोलर्स की, यहाँ पे रिफ्रेश आ गया और सामने उसका टाइप बता दे रहा है
दिस इज योर डीसी, और ये ग्लोबल कैटलॉग सर्व कर रहा है। अब ये ग्लोबल कैटलॉग होता क्या है, रोल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम थेरी बाद में डिस्कस करने वाले। ओके, एज ऑफ नाउ दिस बिकम माई डोमेन कंट्रोलर, और इसे हम कंफर्म भी करेंगे एक्चुअल डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन करके, जो कि मेरा बीडीसी रहने वाला है। वहाँ पे भी हमें टूल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, और देखेंगे जो कुछ भी डेटाबेस हमारा MVM SRV1 हैंडल कर रहा है, जैसे कि कंप्यूटर्स, यूजर्स या डोमेन कंट्रोलर, सेम डेटाबेस यहाँ पे मुझे रिप्लिकेट नज़र आना चाहिए। और हम एक यूज़र भी बनाएंगे BDC के ऊपर, और देखेंगे कि वो BDC का यूज़र प्राइमरी मतलब 01 पे आ रहा है या नहीं। मतलब ये दोनों ही अपने आप में क्या करेंगे, एडिटेबल है। ओके, और दोनों ही अपना डेटा पीरियोडिक टाइम पे एक दूसरे के साथ रिप्लिकेट करेंगे, ताकि एक अगर बंद हो उस बीच में दूसरा काम करे, और जब वो दोनों ऑन हो अपना डेटाबेस एक्सचेंज कर पाए। ओके, सो चलो हम टूल्स के अंदर आ जाएंगे। टूल्स के अंदर हमें जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर की तरफ। ओके, सो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, ये रहा हमारा क्रिप्टन डॉट लोकल। इसे हमने एक्सपांड किया कंप्यूटर कंटेनर की तरफ। ये PC1 PC2 नजर आ रहे हैं, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है। चलो क्विकली हम एक यूजर बनाएंगे, तो यूजर बनाने के लिए मुझे यूजर के सेक्शन पे जाना है। ओके, यहाँ पे मैं एक न्यू यूजर बनाऊंगा, सो राइट क्लिक न्यू यूजर। ओके, उस यूजर का नाम हम रखेंगे MUM यूजर 01। ओके, और उसका लॉगिन नेम मतलब लास्ट नेम आप चाहे तो उसमें मतलब नाम और सरनेम दे सकते हो, फुल नेम भी असाइन कर सकते हो। हमारे केस में हमें MUM 01 02 ऐसे ही रखने हैं, तो हम इसी तरह रखेंगे। लॉगिन नेम आप क्या देना चाहते हो, मेरे केस में जो उसका यूजर नेम है वही मेरा लॉगिन नेम रहेगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन एक्सेस है तो आप उसमें से किसी एक डोमेन को आप प्रोवाइड कर सकते हो, हमारे केस में @krypton.local ही है। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि उसका पासवर्ड क्या हो, तो मैं यहाँ पे उसका एक पासवर्ड असाइन करूँगा। मेक श्योर आप सभी यूज़र के पासवर्ड अलग अलग रखो, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए सभी के पासवर्ड एक भी रहे तो अच्छा रहेगा। ओके, अगर आप सबके पासवर्ड याद रख सको तो अलग अलग रखो, नहीं तो एक ही पासवर्ड लेके सबके लिए असाइन कर दो। नेक्स्ट, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग इन। इससे अगर हम टिक करते तो क्या होगा, यूजर जब कभी भी लॉग इन करेगा उसका पासवर्ड वो चेंज करने को कहा जाएगा। सेकंड, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, मतलब क्या, मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड उसके लिए फिक्स है और वो कभी भी चेंज ना कर पाए। लास्ट इज योर पासवर्ड नेवर एक्सपायर। अब देखिए, जब कभी भी आप यूज़र का पासवर्ड सेट करते हो तो वो कुछ एक्सपायरी डेट के साथ आता है। कंपनी की पॉलिसी रहती है कि हर 25 दिन के अंदर या 35 दिन के अंदर या यू कहो 60 दिन के अंदर यूज़र ने अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप चाहते हो कि कोई यूज़र ऐसा है जिसका पासवर्ड कभी भी चेंज ना हो या कभी भी एक्सपायर ना हो, तो आप यहाँ पे टिक करके रहोगे पासवर्ड नेवर एक्सपायर। और आखिरी में अकाउंट इज डिसेबल, इसका मतलब क्या, यूजर है उसका पासवर्ड भी वैलिडेट है लेकिन वो अकाउंट डिसेबल है। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड चेंज ना हो और पासवर्ड एक्सपायरी में अनटिक कर रहा हूँ। क्लिक टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, कभी भी यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड कैन नॉट चेंज, इन दोनों को एक साथ टिक मत करना, नहीं तो वो इस तरह का मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि एक में आपके पासवर्ड चेंज नहीं होना चाहिए और दूसरे में केवरे पासवर्ड चेंज होना चाहिए। सो आपको कोई तो भी एक ही ऑप्शन को टिक करना है। क्लियर? देन क्लिक टू द नेक्स्ट। फाइनली मैंने क्या किया, एक यूजर बनाया और उसका ये नाम, और फाइनली यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, फिनिश। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट जिसे मैंने बनाया है हमारे MVM SRV 02 के अंदर। चलो क्विकली हम एक ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे कंप्यूटर का। राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ पे हम कंप्यूटर बनाएंगे।
हालांकि मैंने अपना किसी भी तरह का डोमेन ज्वाइन नहीं किया है इस कंप्यूटर को या इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैं प्री क्रिएटेड अकाउंट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास MUM SRV 03 नाम की मशीन आ जाए जिसके ऊपर मैं RODC का प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। ओके, अब तक हमारे पास ये मशीन नहीं है, नेक्स्ट टाइम पे हम इस मशीन को बनाने वाले, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आप प्री क्रिएटेड कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, क्लिक ओके। तो एक यूज़र है, ये रहा, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये रहा। अब इससे मैंने मिनिमाइज़ किया, फिलहाल मैं MUM SRV 02 पे हूँ, इससे हम मिनिमाइज़ कर देंगे, आ जाएंगे MUM SRV 01 की तरफ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पे आपको क्लिक करना है, देन यू हैव टू रिफ्रेश। ओके, अब तक देखो रिप्लिकेशंस नहीं हुआ। ओके, सो जब रिप्लिकेशन साइकिल ऑकर होगी, ओके, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले रिफ्रेश किया, इस बीच में रिप्लिकेशन साइकिल अपडेट हो गई, तो देखिए MUM SRV 03 का रिकॉर्ड आ चुका है। और अगर यूजर पे जाऊँ तो ये रहा MUM 00 01, तो ये दोनों ही रिकॉर्ड एक दूसरे के ऊपर रिप्लिकेट हो गए, ये मैंने चेक SRV 01 पे किया है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने, आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।